आजकल शिव मंदिर का रखवाला लगता है, रास्ता रोक के खड़ा है। हे भोलेनाथ, ये कैसा जोक है, कैसा संजोग है? आज आपका एक भक्त आपके दूसरे भक्त का दुश्मन बन बैठा। अपने भक्तों की रक्षा करो भोलेनाथ। माफ करना, जो तुम्हारे इष्ट है वही मेरे इष्ट। वक्त नहीं है मेरे पास तुमसे लड़ने का। ओम नमः शिवाय। मुझे उनके पास जाना। शिवन्या आ चुकी होगी अब तक। कहाँ हो शिवन्या? चलो आ गए शिव मंदिर। बहुत पुराना मंदिर लगता है। माँ कहती है कि पुराने मंदिर में साक्षात भगवान बसते हैं। चलो। कहाँ खो गई? चली मंदिर? हाँ चलो। शिवन्या, शिवन्या क्या हुआ, रुक क्यों गई? गाड़ी में पूजा के फूल भूल आई हूँ, अभी लाई। मैं लेकर आती। नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ। ओके। इंसानी रूप में मेरी हड्डियां चकना चूर कर देगा ये अजगर। नागिन बन के ही इसकी पकड़ से निकल सकती हूँ। शिवन्या, 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 शिवन्या कहाँ हो तुम? शिवन्या की आवाज यही कहीं से आ रही है। शिशर ऋतिक के साथ आ गई, पर यहाँ से कैसे निकलूं? क्या शिवन्या आसपास ही कहीं, पर वो सामने क्यों नहीं आ रही? शिवन्या, ये तो किसी सहरीले अजगर की आवाज है। ना पड़ा अजगर। शिवन्या, शिवन्या अजगर के अंदर। मौत के मुंह से कैसे निकालूं उसे?
शिवन्या शिवान्या मैं कब से क्या हुआ तुम इतनी डरी हुई क्यों तुम तो फूल लेने आई थी तुम आई नहीं तो रितिक मैंने एक बहुत भयानक अजगर देखा बहुत जहरीला अजगर अजगर हाँ वो हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए नहीं तो वो हमें निकल जाएगा कहीं वो नागिन तो नहीं 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 ऐसे प्राचीन मंदिर के बाहर ऐसे सांप अजगर होते हैं मंदिर की रखवाली करते हैं यहाँ बाहर खतरा है जल्दी से अंदर चलो मंदिर में भगवान के सामने वो नहीं आएगा चलो यहाँ से चलो ओम नमः शिवाय शिवन्या चलो शेषम शेषम मैंने कहा था ना अंदर नहीं आएगा देखो नहीं आया हाँ लेकिन वो बाहर तो है हम जाएंगे कैसे तुम ये पत्थर क्यों उठा रही हो अजगर का ध्यान भटकाने के लिए ये पत्थर उस पर फेंकूंगी तो उसे लगेगा कि ये पत्थर किसी और दिशा से आ रहे हैं और वो उस तरफ चला जाएगा तुम्हें इतनी अजगर की परख कैसे है वो मैं मैंने सुना है किताबों में पढ़ा है पत्थर शिवन्या के बहुत काम आएंगे तो अजगर है तो मैं भी नागिन हूं वो आग लगेगी तेरे अंदर की जल जाएगा मैंने कहा था ना चला जाएगा देखो चला गया चलो पूजा करें अरे कैसे पूजा करेगा पत्नी के बिना जिसके लिए आया है उसे तो आने दे हाँ पर इसे क्या पता कि मैं वो नहीं मुझे कुछ देर रोकना होगा इसे कंद आती है इंसानों से पर आज इस पितूर से भी लिपट जाऊंगी डर गई आप करने का बहाना मंदिर में अकेला आदमी देखा नहीं कि गले लग गई नहीं क्या इतना बड़ा अजगर है तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा आज इस पल इस घड़ी एक बात जान लो मेरी आखिरी सांस छूटने तक मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा कोई खतरा कोई दुश्मन या कोई कुदरत का कहर तुम्हें छू भी नहीं सकता क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा मेरी सांस मेरी जिंदगी तुमसे तुम हो तो मैं हूं पूजा करें हाँ चलो
हो तुम। रितिक, मैं पूजा के लिए जल लेकर आती हूँ। ठीक। शेषा, शिवन्या, ये कलश लो और जल्दी मंदिर जाओ। रितिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेषा, तुम्हारे हाथ पे ये खरोच कैसी? किसी के नाखूनों के निशान लगते हैं। ये वो रितिक, उसे लगा कि मैं तुम हूं, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ा और कस के मुझे अपने करीब खींचा। तो हाँ, से सच नहीं पता, पर सच तो ये कि तुम भी खींची चली गई। हाँ, खींची चली गई, जो मैं नहीं चाहती थी, पर हो गया। लेकर आ गई। चल, कब से इंतजार कर रहा हूं। शिवन्या, शिवन्या, तुम ठीक तो? और ये तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा? ये खून नहीं है, सिंदूर है। सिंदूर का पानी चढ़ा है ना, वही। अच्छा, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया। मुझे लगा कि मेरा सपना सच हो गया, तुम्हें चोट लग गई। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो रितिक, तुम जानते थे कि मुझे चोट लगी है। ऐसे क्या देख रही हो, मुझे शर्म आ रही है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, कि रितिक तुम मेरे पति परमेश्वर। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, पर फिलहाल हमें इन परमेश्वर की पूजा करनी है। करें? चले।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हे नागों के नाग देवता, जागिए देवता, आपने समुद्र मंथन के समस्त विष का पान किया था, आज मेरा विष भी धारण कीजिए। हे नाग देवता, जाग देवता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम शिव जी की भक्त हो और शिव तुम्हारे भगवान है। भक्त संकट में हो तो भगवान को आना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त बीता जा रहा है महादेव, आखिरी पहर जा रहा है, आ जाओ भगवान, आ जाओ। अगर तू चाहती है मैं तेरा जहर धारण कर लूं तो कर लूंगा। हर हर महादेव, जय महादेव। आखिरी पहर खत्म, नागिन तेरा कहर खत्म। गई नागिन, मर गई। जय मां काली। ये तो चमत्कार हो गया। प्रणाम गुरुवर। ओम श्री श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री श्री गुरुदेवाय नमः। जी गुरुवर, आपका यहाँ आना कुदरत का करिश्मा है, मुझसे कोई भूल गुरुवर? सिद्धियों का सचेत होकर उपयोग ना करो तो सिद्धियां भी उल्टी पड़ जाती हैं। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो जाता है, छोटा सा डर भी भयानक भय हो जाता है। तुम्हारा वार ऐसे ही बेकार होता रहा तो बरसों के जब तप से मिली तुम्हारी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। नागिन पे तुम्हारा ये वार नाकाम रहा, इसीलिए तुम्हारी सिद्धियां भी नाकाम हो गई। अब तो नागिन तुम्हारे सामने भी आ जाए
तो भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। अब तुम्हें फिर से घोर तपस्या करके अपनी सिद्धियां फिर हासिल करनी होंगी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं गुरुवर? क्योंकि खौफ अभी मरा नहीं है, नागिन अभी जिंदा है। अब वो और शक्तिशाली हो जाएगी, तुम पे, तुम्हारे भक्तों पे वार करेगी। सतर्क रहना, उसका कहर टूटने ही वाला है। लेकिन गुरुवर, गुरुवर, असंभव। ओम श्री श्री गुरुवर नमः। अनहोनी, असंभव। फिर मेरे वार से बच गई वो नागिन, लेकिन कब तक बचेगी? मेरी शक्तियां फिर से वापस आएगी। मेरा लक्ष्य तेरा अंत है नागिन, तो बच नहीं पाएगी। तू जाएगी, जाएगी तू नागिन। यामिनी जी के परिवार को सतर्क करना होगा। सबकी जान खतरे में है। मुझे शक्ति दे माँ, शक्ति दो मुझे। जय माँ काली, जय माँ काली, शक्ति दो मुझे। सब लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे सामने कोई नागिन हो। भैया, यहाँ पे तो दिन रात ही नागिन घूमती रहती है इस घर में। रुक, इन लोगों को नागिन के मूड से बाहर निकालते हैं। पर कैसे? दिन निकल आया, अब तक ऋतिक और शिवन्या घर नहीं आए। माँ, ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार इसी दिन के लिए तो किया था। एवरीवन इज जस्ट लाइक अ फोन कॉल अवे। फोन करके देखिए। वैसे मैंने भी ना ग्राहम बेल और उसकी गर्लफ्रेंड की स्टोरी बहुत पढ़ी है नेट पे, पता है आपको? ये ना, चुप करो, वो दोनों अभी तक घर नहीं आए और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, चुपचाप नाश्ता करो। एंकी जी, मैंने फोन करने की बहुत कोशिश की पर फोन नहीं लग रहा है। मैं कल रात सो नहीं पाई। माँ, आप भी रात को अमृत के दो खून पीते ना तो पूरी रात नशे में ऐसे सो जाते, पता मेरे? चुप कर, जब देखो उसे लगा रहता है ये जहर। माँ, वो भी तो अमृत पी रहे होंगे ना, एक तो न्यूली मैरिड कपल, ऊपर से अकेले। माँ, ऐसा चाचा कोई नहीं छोड़ता। सब तुम्हारे जैसे नहीं अमृता, एक तो उस नागिन की वजह से इस घर में टेंशन है और एक तुम हो कि। जय माँ काली। गुरुमा, आप सुबह सुबह? कोई खतरा तो नहीं है ना? हाँ, खतरा सर पे मंडरा रहा है। वो बेल के पत्ते जला दिए, वो नागिन यहां तक आई थी। इसका मतलब वो नागिन जिंदा है। हम जानते हैं गुरुमा। गुरुमा, आप इतनी हैरान क्यों हैं? आप ही ने तो हमें कल आके बताया था। मैं आई थी? मैं कब आई थी? मैं तो माँ काली के सामने पूजा कर रही थी, उस नागिन की आखिरी पहर ढलने का इंतजार कर रही थी। गुरुमा, ये आप क्या बोल रही हैं? एक मिनट गुरुमा, कल मैंने जब वो नागिन पे गोली चलाई थी तब आपने ही हमें चेताया था ना कि वो नागिन जिंदा है। उसके बाद आपने हमारी सुरक्षा के लिए वो ऋतिक और शिवन्या को वो टीले वाले शिव मंदिर में भेजा पूजा करने के लिए। आपके कहने पे तो हमने भेजा उन्हें। क्या कहा तुमने? तुमने कल रात नागिन को देखा, उसपे गोली चलाई। कल वो नागिन आई थी फिर से, वो फिर से मेरा रूप धारण करके तुम सबको चला है, तुम सबको चला है वो नागिन। गुरुमा, इसका मतलब यही हुआ कि उस नागिन ने ऋतिक और शिवन्या को मंदिर, लेकिन वो इन दोनों को मंदिर क्यों भेजेगी पूजा करने के लिए? वार के लिए,
मौत के लिए, डसने के लिए। इस पूरे खानदान की दुश्मन है वो, डस लेगी उन दोनों को। हैंकी जी, वो दोनों अभी तक नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नागिन ने उन दोनों को? क्या हुआ हम दोनों को? ये फिर आ गई, ये मुझे पहचान लेगी। इसे पता चल गया मैं शिवन्या बनके यहाँ आई हूँ तो शिवन्या का इंतकाम अधूरा रह जाएगा। आज मैंने कोई भभूत भी नहीं लगाई है। नागिन आ गई। जिंदा है वो नागिन। कुछ किया तो नहीं ना मिट्टी? इसने मुझे पहचाना कैसे नहीं? गुरुमा वहां बहुत बड़ा आज करता, आज तो वो मारी डालता, पर हम मंदिर में चले गए और फिर वो मंदिर से बाहर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये उसकी चाल थी, तुम दोनों को वहां बुलाया, अजगर से वार कराए, लेकिन तुम दोनों को शिव जी ने बचा लिया और फिर से वो नागिन नाकाम हो गई। लेकिन फिर भी सतर्क रहना, वो फिर वार करेगी, फिर वार करेगी वो नागिन। मैंने अपनी जिंदगी की सारी सिद्धियां उस खंजर में डाल दी थी, इसलिए मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही है। लेकिन नहीं, मैं उस नागिन से हारूंगी नहीं उस नागिन से फिर से पूजा करूंगी, माँ काली को मनाऊंगी, शक्तियां वापस लाऊंगी और फिर वार करूंगी। और वो वार होगी आखिरी वार। नहीं बच पाएगी वो नागिन, नहीं बच पाएगी। जय जय माँ काली। जय माँ काली। नहीं बचेगी नागिन, नहीं बच पाएगी। अच्छा, तो इसलिए नहीं पहचान सकी ये बुढ़िया मुझे। शिवन्या, जब तक तुम मेरे बेटे के साथ हो उसकी ढाल बनके, उसे कुछ नहीं हो सकता। आज एक बार फिर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है। थैंक्स बेटा। हे माँ गंगे, तूने तीर्थ से तीर्थ को जोड़ा, तूने ईश्वर को मोड़ा। तुझे कसम है, जो आज तूने इस दिल के विश्वास को तोड़ा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आओ शिवन्या, इस गंगा की धारा के नीचे बैठ जाओ, इस धारा को अपने घाव के ऊपर प्रवाहित होने दो। ये जल अभिमंत्रित है, तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे। आओ। कुछ ही घंटों की बात है शिवन्या, तुम्हारे घाव ठीक किए बिना ये रात नहीं ढलेगी और तुम फिर लौट जाओगी अपने इंतकाम की राह पर। आज ऋतिक के भाग्य ने तुम्हें बचा लिया। किस्मत है जो तुम्हें ऋतिक जैसा पति मिला। ये कैसी परीक्षा है गुरुदेव, जिसने मेरी जान बचाई उसी के पिता की जान लेनी है मुझे। तुम्हारे माँ बाबा की जान ली है उसने, ये क्यों भूल जाती हो तुम? तुम्हें इंतकाम लेना है शिवन्या, पूरे नागवंश का इंतकाम। ऋतिक तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर दुश्मन का बेटा है, वही तुम्हें नागमणि तक ले जाएगा। ये वो निशान कहता है जो उसके शरीर पर बना है। कौन सा निशान गुरुदेव? तुम नहीं जानती उस निशान के बारे में, शायद इसीलिए तुमने
अब तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं कुछ समझी नहीं। ऋतिक के गर्दन पर एक निशान है। वो किताब तो मैंने भी पढ़ी थी, कभी मेरा ध्यान क्यों नहीं गया उस निशान पर? योगीराज ने कहा था कि वो निशान जिनके शरीर पर होता है वो नाग नागिनों से जुड़े होते हैं, शक्तियों से जुड़े होते हैं। वो इंसान जब किसी नागिन से प्यार करता है तो कोसों दूर से उसकी तकलीफ को महसूस कर लेता है, उसके लिए जीता मरता है। इसीलिए जब मैं तकलीफ में थी तो ऋतिक ने सपने में देखी मेरी वो तकलीफ। वो निशान उस नागमणि की किताब में भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस ऋतिक का रिश्ता नागमणि से जरूर है। क्या बात है, आप तीनों एक साथ? हाँ। भाभी आपका कुछ दिनों पहले आनी, आपका और भैया का थर्ड मंथ एनिवर्सरी था ना? हाँ, तो अपने भैया को गिफ्ट क्या दिया? कुछ देना होता है? बहुत कुछ देना होता है, आपने कुछ नहीं दिया? नहीं तो? ये तो गड़बड़ हो गई, ये जो पति टाइप बॉयज होते हैं ना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है इस टाइप की थोड़ी सी जहरीली नशीली सरप्राइज वाली बीवियां। अरे भाभी वो सब छोड़ो, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, तो मार्केट जाके कुछ ले आऊंगी। बीवी वाला सरप्राइज मार्केट में नहीं मिलता, पैदा करना पड़ता है। भाभी अब टेंशन मत लो, हमने आपके गिफ्ट का इंतजाम कर दिया है। ये आपका गिफ्ट और ये आपका कार्ड। अब पैदा करो इस पे, आई मीन अब लिखो इस पे ना कुछ सेक्सी सा मैसेज। सेक्सी क्या होता है? 3 महीने हो गए ना शादी को, अभी तक सेक्सी नहीं पता क्या होता है। भाभी कुछ रोमांटिक सा लिख दो। पर क्या लिखूं? कुछ भी, आपके दिल की बात लिख दो बस। पेन 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 पेन, पेन, पेन। ये प्रेम पत्र जाएगा भैया के पास। शिवन्या जरा यहाँ आना। जी माँ। आई मम्मी। मैं अभी आई। जरा दिखा, क्या लिखा है मुझे पढ़ने? अब पर्सनल होता है, ऐसे नहीं पढ़ते। अरे यार अब मेरी लाइफ में तो कोई पर्सनल है नहीं, अब इसी को पढ़ के थोड़ा सा पर्सनल होने दो ना। इधर दे मुझे पढ़ना है। अरे देखने तो दोनों क्या लिखा है। Happy third month anniversary. किस्मत वाली हूँ मैं जो तुम मुझे मिले। बस इतना सा? ये क्या बात हुई? ये भैया और भाभी ना दोनों 60s के जमाने के हैं, क्या एक्सपेक्ट करोगे इनसे तुम? हाँ सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। I know. लिखो लिखो। आप ही कुछ लिखो। कुछ मैं लिखूँ? चलो चलो। हाँ ऋतिक भैया। भैया तो वो बुलाएगी नहीं, ऋतिक। अच्छा सुन, ये कुछ ज्यादा तो नहीं लगते यार हम दोनों? अरे दीप पति और पत्नी के बीच में क्या कम और क्या ज्यादा, अकेले में तो इससे भी ज्यादा चलता है। यानी क्या होगा रहा है जो तूने लिखा है ना, मैं बता रही हूँ। अच्छा सुन, उसको ना बिल्कुल भीग मत बताना। कुछ नहीं बताएंगे जी, अब चलो 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 भैया, चलो 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 चलो। शिवन्या इस किताब में लिखा है नागमणि लाखों करोड़ों हीरो की रोशन से रोशन है, शक्तिशाली है, पर इसका गलत उपयोग हो तो प्रलय आ जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए नागमणि कभी गलत हाथों में ना जाए। सदियों से राजा महाराजा
सिद्धि बाबा अपनी प्रसिद्धि के लिए नागमणि को हासिल करने की कोशिश करते रहे। वो नागमणि स्वयं प्रकाशित हो चुकी है, जाओ वो नागमणि ले आओ और अपनी कोशिशों में मरते रहे। एक बात है जो इस किताब में लिखी है, ये नागमणि स्वयं प्रकाशित है। मतलब आएगी वो एक रात, सिर्फ एक रात के लिए, जिस रात ब्रह्मांड के सारे नवग्रह एक साथ आएंगे, रात के चौथे पहर में आएंगे एक साथ, आकाश में चांदनी ही चांदनी होगी उस रात, उस पहर, उस घड़ी वो नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी, जिसकी रोशनी दूर दूर तक देख सकेंगे देखने वाले। उसकी रोशनी ऐसी होगी कि आंखें चुंधिया जाएंगी, वही रोशनी तुम्हें नागमणि तक ले जाएगी। ये रात हर 75 साल में एक बार आती है, ऐसे ही स्वयं प्रकाशित हुई थी नागमणि, आ रही है वो रात। अगर अंकुश रहे जाने वो मणि हवेली में कहीं छुपाई है तो तुम जान जाओगी उसकी रोशनी से। ले आना वो मणि, अर्पण कर देना शिव मंदिर में, शिवलिंग पर, जहां की वो अमानत है, और तुम नाग नागिन शिव के भक्त उस मणि के रखवाले हो। याद रखना शिवन्या, गलत हाथों में कभी ना जाने पाए वो मणि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं वो मणि इस मंदिर में जरूर वापस लाऊंगी। बता दे नागमणि कहाँ है, फिर यहीं पर जिंदा कर दूंगा। पागल हो गया, अगर ये मर गया तो नागमणि कैसे मिलेगी? उसका असली हकदार वो आएगा, कोई नहीं आएगा। बता दे नागमणि कहाँ है, नहीं तो यहीं पे घुट घुट के मर जाएगा, और अगर नहीं मरा ना तो मैं मार दूंगा। और रही बात नागमणि की, उसे तो एक ना एक दिन हम ढूंढ ही लेंगे। तुम लोग उस मणि तक नहीं जा पाओगे। एक बार तो हासिल कर चुके थे मणि को, पर अब मैंने ऐसी जगह छिपाई है वो मणि कि नहीं पहुंच पाओगे, देख भी नहीं पाओगे उसे। उस तक सिर्फ वही जा पाएगा। आज तू गया। एंकी, छोड़ 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 एंकी उसे, छोड़ यार। आज नहीं तो कल बताएगा वो, चल यहां से, चल। वो आएगा, उसका असली हकदार, उसका मालिक। एंकी छोड़ दे उसे, छोड़ उसे, छोड़ बात उसे, चल 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 तू यार, चल। भैया आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? एक स्पेशल गिफ्ट, यू नो, भाभी का कार्ड। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले डील तो पूरी होने दो। कैसी डील? अब भाभी का लव लेटर है तो इसके बदले में कुछ तो लेना पड़ेगा ना। बोलो क्या चाहिए? कल क्लब जाएंगे। ओके डन। यस, आपकी गाड़ी 7 दिन के लिए मेरी। ओके डन। अरे और मुझे क्या मिलेगा? एक बोतल विस्की, रम और वोडका। अब मैं कार्ड ले लूं? देखना किस फ्लश कर रहा है। पूरे कल लॉन खुले हो गए। लगता है काफी रोमांटिक कार्ड है। तो जो कुछ भी मैंने कहा था सब कैंसिल। क्यों? क्यों? What the?
ये जो लिखा था कम है क्या? थोड़ा ज्यादा चाहिए था। पूरा था ना जितना लिखा था, ज्यादा हो गया। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? बस भैया, आपको हम बहन भाई पे विश्वास नहीं है ना? ठीक है, भाभी से पूछ लेना। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जो कार्ड में लिखा है वो सच है तो इसका मतलब शिवन्या हमारे रिश्ते को जोड़ना चाहती है, पर बात तो करनी होगी शिवन्या से। उस नागमणि की कहानियों वाली किताब में उस निशान के बारे में बहुत से राज छुपे हैं, इसलिए उस बूढ़े अंकुश रहे जाने फिर से वो किताब छुपा ली। मुझे पता लगाना ही होगा कि कहाँ छुपाई है। शिवन्या, आप ये कार्ड तुमने भेजा है? हाँ, वो हमारी थर्ड मंथ एनिवर्सरी पे मैंने कुछ दिया नहीं था तो इसीलिए। इसमें जो कुछ भी लिखा है तुमने लिखा है ना? हाँ, मैंने ही। सच में? ये अचानक गले क्यों पड़ गया? शिवन्या, तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे क्या दिया है। आई लव यू सो मच। मैं अभी आया। अब तुमने जो कुछ भी लिखा है उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। आज की रात देखना, इतनी हसीन होगी तुम देखते रह जाओगे। मेरी तो हर रात हसीन होती है, नागिन हूं मैं, लेकिन जब ये इंसान मेरे आसपास होता है तो मुझे अजीब सा क्या लगता है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.